जोनल अस्पताल मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भक्ति मुक्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। ट्रस्ट के स्टेट कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आई रक्त की कमी को दूर करने के लिए भक्ति मुक्ति ट्रस्ट द्वारा देश भर में इस प्रकार के रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट सामाजिक सरोकार के लिए कार्य कर रहा है। संकट की इस घड़ी में असहाय व गरीब लोगों की निःशुल्क सहायता के लिए ट्रस्ट पूरी तरह से प्रयासरत है। आज का जो हमारा उद्देश्य है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो इसमें लगभग 20 या 25 जो ब्लड डोनर हैं वो ब्लड डोनेट करेंगे। हमारा भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो है कि जहां किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से खून की देश में बहुत भारी कमी पड़ रही है, उस कमी को पूरा करने हेतु पूरे देश में हमारी जो भक्ति मुक्ति ट्रस्ट है वो ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खून की कमी को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का जो अन्य जो सामाजिक सेवाओं में जो योगदान है, जैसे दहेज रहित शादियां करवाते हैं और किसी भी प्रकार के जैसे आजकल राशन की कमी है, लोगों के जनमानस को बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा रहा है। जिसके पास किराया नहीं है, कोई लेबर बाहर से आते हैं उनको भेजने के लिए निःशुल्क बसों का प्रबंध भी किया जा रहा है। तो ये सामाजिक जो दहेज प्रथा इत्यादि जैसे समाज से खत्म करने के लिए ये सारा प्रयास किया जाता है। तो ये इस कड़ी में भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो है ये आज हमारा यहाँ जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में एक कैंप का आयोजन कर रहा है, और जिससे अभी पिछले ही कुछ हफ्ते सोलन में भी इसी प्रकार का एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जहां लगभग 50-60 यूनिट जो ब्लड है वो डोनेट किया गया। आगे भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि हमारे जो जरूरतमंद जो लोग हैं और जैसे कहीं भी किसी चीज़ की जिस दुर्घटना या इत्यादि में जो आवश्यकता है ब्लड की उसको पूरा किया जाएगा।